हेलो गाइस, आप देख रहे हो मेरा पाठशाला एजुकेशन। और आज हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वन था तो सोचा कि इसे आपको कराया जाए। ये आपका जो चैप्टर 6th है क्लास 9th में, क्वेश्चन नंबर 6.3 एक्सरसाइज का, ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो है उसको हम यहाँ कवर करेंगे। ये देखिए ये, ठीक है, इसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है, इन फिगर द साइड क्यू आर, विच इज़ साइड क्यू आर, क्यू आर ये वाली है, ठीक है, साइड क्यू आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर मतलब ये वाला ट्राइंगल में ये वाली जो साइड है वो क्या करिए, प्रोड्यूस करिए एस को। तो दिख रहा है आपको ये प्रोड्यूस करिए एस को, ठीक है। एंड इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, देखिए बाइसेक्टर कौन सा एंगल आपका, ये पी क्यू आर, पी क्यू और आर, इसका बाइसेक्टर कौन सा हो गया, क्यू टी होगा। तो इसी तरह से अगर हम देखें ये पूरा पी आर और एस है, इसका बाइसेक्टर क्या बनेगा, टी आर बनेगा, है ना। बाइसेक्टर मतलब होता है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा एट टी। तो पूछ, अब आपको प्रूफ ये करना है कि जो टी क्यू टी आर है दैट इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। आपको क्या प्रूफ करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है क्यू टी आर, क्यू टी आर मतलब दिस वन इज़ हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, मतलब ये वाला एंगल इसके क्या है, हाफ है, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए इससे पहले आपको पता होना चाहिए दैट इज़ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का हमें मतलब क्या हमको बोलता है, देखिए कि जो है यस, अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपकी ये है कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है तो ये एंगल इस एंगल का सम हमेशा क्या है, इस एक एंगल के बराबर आता है। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। तो इसी को अब हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। और अगर आप अप्लाई करते हो यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले, ये एक ट्राइंगल ले लेंगे, मतलब ये वाला ट्राइंगल। और ये ट्राइंगल में आपके पास क्या है, क्यू जो है पी क्यू आर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू और आर, ये हमने एक ले लिया पी क्यू आर ट्राइंगल। और ये पी क्यू आर ट्राइंगल को अगर मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाती हूँ तो मैं लिखूँगी जो है एंगल पी जो होगा, ठीक है, एंगल पी मतलब दिस वन प्लस एंगल दिस, मतलब अगर इसको लूँगी मतलब पी क्यू आर को ले लूँगी पूरा, तो प्लस ऑफ एंगल जो होगा पी क्यू आर, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू किसके, मैंने बताया ना बाहर का एक पूरा एंगल के बराबर आता है, मतलब कि पी आर एस के बराबर। तो एंगल क्या हो जाएगा, पी आर एस, ठीक है। अब इसे हम क्या करने वाले हैं, सबको हम जो है हाफ़ से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अगर मैं क्या करूँगी, हाफ से सबको मल्टीप्लाई कर देती हूँ मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या आने वाला आपके पास, हाफ ऑफ हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल पी, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एंगल जो हो जाएगा आपके पास पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल जो हो जाएगा आपके पास दैट इज़ पी आर एस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अभी सोचिए एंगल पी तो पूरा वही रहने वाला है, ठीक है, तो इसको आप रख लीजिए यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल पी, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ध्यान से सोचो, और इसका हाफ क्या होगा, टी क्यू आर, है ना, क्योंकि ये टी क्यू क्या कर रहा है, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर, ठीक है, टी क्यू आर, और उसके बाद यहाँ पे इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्या आपके पास है, पी आर एस। तो पी आर एस देखिए कहाँ पे आपके पास है, ये पी होगा, ये आर होगा और ये एस होगा। तो अगर इसका हाफ करते हैं तो क्या होगा, टी आर एस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल टी आर एस, ठीक है, टी आर एस। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा कि एंगल जो है पी क्यू आर, चलो मैं इसे इरेज करके अब सीधा लिख देती हूँ आपके लिए। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है, एंगल जो आपके पास है पी, नॉट पी सॉरी, ये आपके पास जो आएगा वो आएगा एंगल जो आपके पास है पी हाफ ऑफ एंगल पी प्लस जो है एंगल टी क्यू आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास टी आर एस, टी आर एस, है ना, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये हमने फर्स्ट निकाल लिया। इसी तरह से अब अगली बार आप ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, है ना। तो ये वाला अगर ट्राइंगल लेंगे तो इसमें अगर आप देखोगे तो मैं क्या करूँ, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या बन रहा है आपका, टी क्यू आर, टी क्यू आर। और इस ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो हम लिखेंगे एंगल जो टी है आपके पास, ठीक है, एंगल टी प्लस ऑफ एंगल जो आपके पास है क्यू, ठीक है, क्यू लिख लीजिए या फिर टी क्यू आर लिख लीजिए, टी क्यू आर लिख लीजिए, ठीक है, टी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, टी आर एस, है ना, एंगल क्या हो जाएगा, टी आर एस हो जाएगा, टी आर और एस हो जाएगा ये, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बनेगी, ये सेकेंड इक्वेशन बनेगी। अभी जरा ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है, ये सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। तो ध्यान से देखिए, ये जो टी आर एस है वो भी इसके बराबर है, ये वाला टी आर एस इसके बराबर है। तो क्या हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल, हाफ ऑफ एंगल पी प्लस जो है एंगल टी क्यू और जो आर होगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा एंगल टी प्लस एंगल टी क्यू और आर।
अब आप देख सकते हो कि एंगल जो आपके पास है TQR से TQR क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल टी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको देखो यही तो प्रूफ करना था। और एंगल पी के अगर आपको लग रहा है कि एंगल पी लिखा और हमको निकालना क्या था क्यू पी आर, तो ध्यान से देखिए ना, एंगल पी क्या है, क्यू पी आर ही तो है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कि एंगल जो आपके पास होगा क्यू पी आर, मतलब उसका हाफ, ठीक है, उसका हाफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, ये क्या है टी, और टी का आपके पास जो है टी आ जाएगा, और टी का मतलब क्या आपके पास है क्यू टी आर, क्यू टी आर है ना, तो क्या हो जाएगा एंगल क्यू टी आर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं आए तो आप एक से दो बार इस वीडियो को देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मैंने इरेज कर दिया था वो पोर्शन, पर आप उसको अगर आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हो, पीछे जाके एक बार देख लीजिए। बाकी इसी तरह से आप सॉल्व करोगे तो आई होप आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसे शेयर करिए। सो थैंक यू टू ऑल।